सोलो पहले फिर बाइक। एक्सक्यूज मी गार्डन पासिंग बंद करो यार। चल बारून चल ये ले कटिंग काटो उसको और नीचे देखो दादा साहब उनके देखिए दादा साहब फाल्के जो है हमारी फिल्म इंडस्ट्री के सभी एक तरह से कहें कि बहुत बुज़ुर्ग और बहुत ही मतलब एक तरह से निर्माणकर्ता लोग रहे हैं जिन्होंने इंडस्ट्री की स्थापना की है, इंडस्ट्री को बनाया है, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को एक नई दिशा दी है। आज उनकी वजह से फिल्म इंडस्ट्री खड़ी है। तो जब दादा साहब फाल्के का नाम जुड़ता है तो ये बहुत ही सम्माननीय और बहुत ही एक ग्रेस वाली बात एक एक्टर के लिए या प्रोड्यूसर के लिए या डायरेक्टर के लिए होती है। जी एक्सपेक्टेशंस बहुत सारी है क्योंकि हमारा सीरियल इस समय काफ़ी अच्छा जा रहा है तो बहुत सारे अवार्ड्स की उम्मीद हम रखते हैं। थैंक यू। चलो आगे दादा लवकर थोड़ा शाहरुख खान चला जाएगा फायदा क्या फिर यार। बहुत ही अच्छा अवार्ड फंक्शन है ये, एकदम ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और ऐसे लोगों को अवार्ड किया जा रहा है जो एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम कैमरा के पीछे रहते हैं। तो इट्स एक्चुअली अ वेरी वेरी गुड जेस्चर। तो ऑल द बेस्ट टू एवरीबॉडी हुज ऑर्गेनाइज्ड इट। या मैं प्रेजेंट करने आया हूँ एक अवार्ड जो मुझे मेरे एक्चुअली ये पूरा ऑर्गेनाइज किया गया है मेरे बॉस ने, जो मेरे पहले बॉस थे। तो आई एम वेरी एक्साइटेड। थैंक यू। करेक्ट। जो एक्चुअली द होल फिल्म इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट एक्चुअली एक बंदे को जो श्रेणी देनी चाहिए तो वो दादा साहेब फाल्के ही है, जिन्होंने इतने लोगों को इंस्पायर किया है, इतने लोगों को मोटिवेट किया है। जो आज की इंडस्ट्री एक्चुअली जिस मुकाम पे पहुंची है एक्चुअली गोज आउट टू हिम। सो बिग कूडोज टू हिम। एक्चुअली अ लॉट ऑफ पीपल जो आते हैं इंडस्ट्री में उनको थोड़ा पढ़ के आना चाहिए इनके बारे में एंड उनको अंदर से मोटिवेशन मिलेगा। यार आई हैव बीन स्टाइल्ड बाय खुशबू राज, जो जिन्होंने मेरे को पहले से स्टाइल करे आ रही हैं। तो आई एम लविंग इट। थोड़ा काफ़ी सेमी फॉर्मल फॉर्मलिश काइंड ऑफ लुक को दिया हुआ है तो एंजॉय। हाय कीजिए ना बाइट कीजिए, डिफरेंट कर लो ना, ऊपर डिफरेंट कर लो राखी, जरा अच्छे से पोज़ेस दे दो। She's my darling. क्या विश करना चाहेंगे आरसी जी को क्योंकि आज बेस्ट इंटरटेनमेंट टीवी का अवार्ड मिला है। मेरी जान है आरशी एंड शी डिज़र्व करती हैं अवार्ड, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि आज की तारीख में टेलीविज़न पे
नाम रोशन करा है इन्होंने, बिल्कुल बहुत ही एंटरटेनिंग है और शी डिजर्व्स ऑल द अवार्ड, इवन ऑस्कर अवार्ड टू. क्या देखिए अर्शी के आते ही आग फैल गई, सो सॉरी. बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली हमारे जितने भी सीनियर्स हैं इंडस्ट्री के अंदर, वो इतना, सिर्फ मुझे इंडस्ट्री में अगर देखा जाए तो 4 महीना ही हुआ है, और इतना रिस्पेक्ट देते हैं, इतने प्यार से बातचीत करते हैं, कुछ भी सवाल रहते हैं वो बताते हैं कि कैसे करना है इंडस्ट्री में. उसमें राखी भी इन्वॉल्व है जो हमेशा हर चीज़ को गाइड करती है कि अर्शी ऐसे से ऐसे करना है, ऐसे से वैसे करना है, तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है. हम लोग अच्छे फ्रेंड हैं और आज अवार्ड नाइट में मैं सारी बारी पहन के आई हूँ, तो अर्शी ने मैंने डेफिनेटली क्योंकि वो हमेशा वेस्टर्न वेस्टर्न ग्लैमर से, तो आज मैंने कहा आज ये थोड़ा एलिगेंट मेरा लुक चेंज किया है इन्होंने. जी थैंक यू. बिल्कुल, बिकॉज आज इनका परफॉर्मेंस भी है और रश के कमर बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली है, तो मैंने भी अपना थोड़ा जादू डाला हुआ है. मैंने कहा आज स्टेज पे आग लगा देना, इन्हें आग लगाने का बड़ा शौक है. जी मैं नहीं कर रही हूँ, मेरी फ्रेंड कर रही है. आई नॉट इंटरेस्टेड. थैंक यू. बहुत एक अच्छा माहौल है, अच्छा टाइम है, और ये कैटेगरी जो जिसमें इन्होंने मुझे चुना है, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू टेलीविजन एंड फिल्म्स, इसके लिए मैं बड़ा खुश हूँ. और अच्छा तब लगता है जब अपनी इंडस्ट्री खुद अपने लोगों को अवार्ड देती है, इससे बड़ा अवार्ड कुछ नहीं होता है. ऑल द बेस्ट टू दिस फाउंडेशन, ऑल द बेस्ट टू द ऑर्गेनाइजर्स फॉर हैविंग दिस ग्रेट अवार्ड फंक्शन. थैंक यू. हमारे इंडस्ट्री के गुरु दादा साहब फाल्के, और उनसे बड़ा कोई नहीं हो सकता, और जब उनके नाम पे अवार्ड दिया जाता है तो और अच्छा लगता है, और मज़ा आता है, और आज और गर्वित आदमी महसूस करता है. थैंक यू. Yeah, something.
लीज एंड जेंटलमैन प्रोग्राम की शुरुआत। दो मिनट के अंदर होगी। मैं चाहूंगा कि जितने भी हमारे इवेंट टीम वाले सदस्य हैं अपने वॉकीज पर आ जाए, अपने पोजिशन पर ले लें। The award show is about to begin. 2 minutes ke andar, my friends, please take your seats. Thank you. I'd like the sound contest to be on. Everything to be set. We're about to start. सबसे पहले तो हम बहुत-बहुत धन्यवाद देंगे वॉक्स वेब को और दादा साहब फाल्के अवार्ड में। हमें 2 साल पहले अवार्ड मिल चुका है और इस बार हम बहुत एक्साइटेड है। हमारा डांस परफॉर्मेंस है फर्स्ट टाइम इन दादा साहब फाल्के अवार्ड में। So I'm really very excited for my event. Just cross the fingers कि अच्छा लगे and लोग नाचे। सबसे पहले तो मैं दादा साहब फाल्के का बहुत बड़ा आभारी हूँ जिन्होंने इस इंडस्ट्री को बनाया, और हम बड़े लक्की हैं कि हमें उस इंडस्ट्री के अंदर आज परफॉर्मेंस का मौका भी मिल रहा है। 2 साल पहले नीलू जी ने बताया जैसे हमको बेस्ट जोड़ी का अवार्ड मिला था, लेकिन आज हम लोग पिछले साल हम परफॉर्मेंस कर चुके थे, लेकिन इस बार हम लोग दोनों जोड़ी बन के कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक हमारा जो सॉन्ग है वो है दैट इज रंगीलो मारो ढोलिया। हाँ, क्योंकि हम लोग राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो थोड़ा राजस्थान को लोगों को पसंद है तो थोड़ा सा टच देना था। हाँ, माइंड में रख के परफॉर्मेंस कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि लोग झूमे। माय अटायर इज ऑल ऑफ राजस्थान बिकॉज मैं स्टापलेस का शो भी कर रही हूँ जो वो भी राजस्थानी टच से हैं भावो। बट टुडे इज नीलू वगेला विद अरविंद जी, सो दिस इज माय अटायर। कम थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बाबू भाई, थैंक यू आई हैव योर लवली वॉइस। Ladies and gentlemen, the lamplighting ceremony. Thank you so much. Yeah, look me. Yeah, baake. Hamari hosla. Zaiki me chhanga. Prikushu me bhejcha. Yeah, look. Please. Thank you so much. Thank you so much. This is the beginning of the Dada Sai Phalke Foundation Awards 2018. और अब दोस्तों, वक्त आ गया है हमारे पहले परफॉर्मेंस के लिए। जो हमारे पीछे वाले दोस्त हैं, कैसे हैं आप लोग? Come on, तालियों की गूंज। हर के कोने कोने में ये तालियां पहुंचनी चाहिए। और अब दादा साहब फिल्म फाउंडेशन का जो टाइटल ट्रैक है, इसको कंपोज किया है, गाया है हर्ष शर्मा ने। ये अगर इनको आप गूगल करें आपको पता चलेगा कि ये टाइटल ट्रैक के मसीहा माने जाते हैं। और ये गाना Say it back at you.
Yeah.
Vaidik Kaus on behalf of Global Thinkers and Society of Global Thinkers and VoxWeb and the Dada Saheb Sadek Film Foundation Award. We welcome all of you here and are privileged to present this award to you today. बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है. ऑब्वियसली फील्स वेरी गुड गेटिंग द अवार्ड और मेहनत करते हैं और उसकी सराहना मिले तो आई थिंक उससे बड़ा क्या हो सकता है. आई थिंक ही इज द मेकर, उन्होंने शुरुआत करी और आई थिंक हम लोग मेहनत करते हैं कि उन्होंने शुरुआत करी उसे हम कहीं ख़राब ना करें. बस कीप वर्किंग हार्ड फॉर दैट. गुड इवनिंग. इंडस्ट्री के थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग गलत तो नहीं है, बहुत मेहनत करी है उन्होंने यहाँ पहुँचने के लिए एंड आई एम ग्लैड कि उनको अभी रिकग्निशन मिल रहा है एंड आई होप ये इसके आगे तरक्की और करते रहे, बढ़ते रहे आगे. दिस इवेंट इज प्रोग्रेसिंग एवरी ईयर. कहेगा दबंग टूर बस यार अब जा रहा हूँ वापस. जून में हम लोग जा रहे हैं दबंग टूर के लिए एंड यूएस एंड कनाडा एंड बस उसकी तैयारी. अभी आ जाए मैं एक अच्छी हॉलीडे पे गया हुआ था, जस्ट केम बैक. बड़ा ज़रूरी होता है ना, तो इसलिए एक छुट्टी बना के आया हूँ बस. अब ज़रा अवार्ड लेके आया हूँ. नहीं ये एक शॉर्ट फिल्म करी है तो एक नया कुछ ट्राई किया है तो आई थिंक अनदर 10 डेज सब कंप्लीट हो गया है. मैं बाहर निकाल के आपको बिल्कुल नहीं पसंद. यार ये मैं हमेशा संदेश नवलखा ही डिजाइन फॉर मी, तो ऐसा कोई बहुत ज्यादा उसमें नहीं पड़ता. जो मुझे कंफर्टेबल लगता है मैं वो पहनता हूँ. Ladies and gentlemen, a film that truly touched our hearts. Well done, sir. मैं चाहूँगा मैं आप यही कहेंगे कि थैंक यू सो मच. श्री नारायण सिंह जी, मैं चाहूँगा कि आप और भी अवार्ड्स एक्सेप्ट करें आपके टीम के. और एक इधर भी खिला देना प्लीज. Thank you. Lots of love. Come. Thank you so much. Thank you. Can I? Thank you so much. From the grandchildren of Dada Saheb Phalke. Check. Wow, mic bandh ho raha hai beta. Tu bhi bada focus kar Manisha ji pe. Focus here, baby. All right, ladies and gentlemen. Best Debut Director Award. Actress Kamal ki hai. People call her the encyclopedia of acting. गर्सी फिल्में करती है, पाक ब्रेकिंग फिल्में करती है. लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउ शी इज अ डायरेक्टर हुज अगेन सेटिंग नॉर्म्स एंड सेटिंग ट्रेंड्स. गिव इट अप फॉर कोकोना सेन शर्मा. हेलो कोकोना, गुड इवनिंग. अरे ताली बजाओ भैया. बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर अवार्ड दादा साहेब फाल्के फिल्म फाउंडेशन 2018. इसको पैसे नहीं मिलने चाहिए, नाम इसके हाथ में रहे. फर्स्ट ट्रॉफी फ्रॉम द ग्रैंड चिल्ड्रन. प्लीज जब तो पीछे में क्यों है, हाउ यू डूइंग, ऐसे करो सब लोग. कमॉन ये टीम आगे आगे ऐसे करो. कमॉन इस साइड भी भैया ऐसे आओ. मिस्टर योगेश नरहानी कैसे हो आप सर, रिसीव कार्ड मुझे भी चाहिए. और आप फॉर बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर कोकोना सेन शर्मा. और ये ट्रॉफी भी हमारी फैशन मॉडल आपको देंगी, मिलान फैशन वीक से भी आई है आपको वो ट्रॉफी देने के लिए. गिव इट अप फॉर कोकोना सेन शर्मा लेडीज एंड जेंटलमैन. थैंक यू. वुड यू लाइक टू होल्ड द ट्रॉफी सर? आप अपनी मैडम, ये आप ही की ट्रॉफी है, क्या बात है. मनीष मेरा लड्डू, मेरा दुलारा, मेरा प्यार का देवता, हर एक्ट्रेस को प्यार बांटता है. पहली बार अपनी वाइफ के साथ स्टेज पर आया है. आइए आइए इधर आइए. फर्स्ट टाइम ऑन स्टेज? अरे वाह, फर्स्ट टाइम इधर आइए. मनीष मैं चाहता हूँ
बार मेरी भाभी के लिए स्टेज पर एक गाना गाओ। लंदन में मैंने सुना तुमने सारे ब्रिट लड़कियों के लिए गाना गाया, तुम इंडिया में माधुरी दीक्षित के लिए गाना गाते हो, आज मेरी भाभी के लिए गाओ। पहली बात तो कोई कारपेंटर, कोई एक्टर, कोई डायरेक्टर, कोई राइटर, कैमरामैन था कोई, कोई एडिटर, सिंगर था कोई, तो कोई म्यूजिक डायरेक्टर, लाइटमैन था कोई, तो कोई सब डिजाइनर, मैं था कोई, तो कोई प्रोड्यूसर, बूम मैन था कोई, तो कोई साउंड इंजीनियर, न जाने कितने डिपार्टमेंट, न जाने कितने लोग, हरेक की मेहनत, हरेक का पसीना, हरेक का योगदान और एक सिनेमा, फिर एक प्रोजेक्टर मैन और एक प्रोजेक्टर, सामने एक सफेद पर्दा जिसे लोग कहते स्क्रीन है, और उस पर चलते चित्र चलचित्र, और नशे में डूबी मधोश ऑडियंसेस, भारे सिनेमा, जितनी भी तेरी तारीफ की जाए कम है, तू जिंदा था, तू जिंदा है, तू जिंदा रहे। जब सिनेमा के 100 साल हुए थे तो लिखा था, आज मौका मिला तो आप लोगों को सुना दें। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच फॉर द हार्ट फेल्ट रेंडिशन सर। मिस्टर डिक्सन द स्टेज, मूविंग ऑन फॉर द अवार्ड्स लेडीज एंड जेंटलमैन, द प्रोड्यूसर्स। आई वुड लाइक टू कॉल ऑन स्टेज द बेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑन टेलीविजन, बेस्ट इन द कॉमेडी ऑफ कोर्स। भाभी जी घर पर है, संजय और कोली, एंड द नाइट फॉर इज कोली। Ladies and gentlemen, give it up for the force of Bobby G. Har Par Hai, the entire team, best producers. Well, I'm sorry. How's it going? Good to see you. This is what makes a team so popular. Taaliyon ki goonj, everybody! Love your name, baby. Tell us about this massive achievement of your show. My wonderful team of Shashank, Manoj, and my actors. Best writer comedy, Manoj Santoshi! Are taaliyon batao, dosto! Thank you.
ये मेरा जब भी इंटरव्यू होता है ये ऑडियो बंद कर देता है। जामुन ना क्या कहा सर हाल के वो जी मैं बहुत आभारी हूँ, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे ये ऑनर मिला है। इंडस्ट्री में लोगों मेरा जो जो काम है ब्रीथ में उसको उसके लिए मुझे ये अवार्ड मिल रहा है, तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ सभी ऑर्गेनाइजेशन को के लिए। कैसे बात करें, आई लव यू रिटर्निंग कर लेना। थैंक यू सो मच सर। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप तो वैसे ही मिल रहा हूँ सिंगल है, पर व्हाट एन इनक्रेडिबल जर्नी यू रिसीविंग दादा साहेब फाल्के एंड आई लव यू फॉर योर सिंसियरिटी टुवर्ड्स म्यूजिक। Thank you, Dada Saheb Phalke Foundation Awards 2018. It feels great, and just want to keep doing good music, keep appreciating our live music, and keep loving us like this. It means a lot. Thank you. नाम क्या है? अच्छा सर, थैंक यू दादा साहेब फाल्के फिल्म फाउंडेशन फॉर गिविंग मी दिस अवार्ड। मैं बहुत ही खुश हूँ कि मुझे 2014 में मेरे डेब्यू में मिला था मैं हूँ हीरो तेरा में, और फिर मुझे आज मिला है। सो थैंक यू टू एवरीवन। ये मैं मेरे दादा से बहुत क्लोज था, सरदार मलिक साहब, एंड वो कहते थे कि यू नो दादा साहेब फाल्के जो अवार्ड है उसे मिलना बहुत बड़ी बात होती है किसी आर्टिस्ट के करियर में। सो मैं सोचता हूँ ये मेरे लिए और इंस्पिरेशन है और अच्छा काम करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू सो मच।
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू टीवी नेक्स्ट बॉलीवुड।